महेंद्र सिंह धोनी, रांची के राजकुमार, भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार, कमाल के कप्तान और कैप्टन कूल, ऐसे कई नामों से लोग धोनी को जानते हैं। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत के नाम 3 ICC ट्रॉफी जिताया है। इसके अलावा धोनी ने IPL में अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को साल 2010, 2011, 2018 और 2021 में कुल 4 कप दिलाया है। धोनी का क्रिकेट के मैदान में ऐसे कई अनगिनत रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन इससे इतर धोनी की चर्चाएं मैदान के बाहर भी कम नहीं है। 41 साल के धोनी फिलहाल पीली जर्सी पहने IPL खेल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की कमान उनके हाथ में है। खेल के अलावा भी धोनी की चर्चाएं हो रही है। चर्चा का कारण है उनका साल 2022-23 के लिए 38 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स पे करना। 38 करोड़ टैक्स जमा करते ही धोनी झारखंड के सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक धोनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स के तौर पर 38 करोड़ रुपए जमा किए हैं। बड़ी बात यह नहीं है कि धोनी इस साल सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले व्यक्ति बने हैं। धोनी ने यह रिकॉर्ड कई सालों से अपने नाम कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एंट्री के साथ ही झारखंड के सबसे बड़े आयकरदाता बने हुए हैं। यह रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी गाढ़ी कमाई से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कितना टैक्स चुकता किया है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर के खेलों से जुड़ा खास कार्यक्रम मैदान। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माही ने 10.93 करोड़ रुपए टैक्स दिए थे। झारखंड से सबसे ज़्यादा टैक्स देने की सूची में माही तब भी, यानी 8 साल पहले भी, वो पहले नंबर पे थे। यही बात अगर वित्तीय वर्ष 2017-18 की जाए तो माही ने कुल 12.17 करोड़ रुपए टैक्स चुकाया था। उसके अगले साल यानी वर्ष 2018-19 में माही ने पिछले साल यानी 2017-18 की तुलना रिकॉर्ड बढ़त के साथ 28 करोड़ रुपए टैक्स जमा किए। फिर आया साल 2019-20 का। इस साल भी धोनी ने बीते वर्ष जितना ही टैक्स जमा किया, यानी कि 28 करोड़ बतौर टैक्स माही ने जमा किए। वहीं साल 2020-21 में उन्होंने 30 करोड़ रुपए बतौर टैक्स जमा किए। बता दें कि इसी साल धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी धोनी की आमदनी कम नहीं हुई। उन्होंने साल 21-22 में पिछले साल की तुलना ज़्यादा टैक्स चुकता किया। माही ने साल 2021-22 में बतौर टैक्स 38 करोड़ रुपए जमा किए और इस साल यानी 2022-23 में भी उन्होंने 38 करोड़ रुपए ही एडवांस टैक्स जमा किए हैं। ऐसे में उनकी साल 2022-23 में कमाई करीब 130 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था, लेकिन उनकी कमाई में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा लेने के बाद धोनी सिर्फ IPL खेलते नजर आते हैं। धोनी के पास 43 एकड़ खेती योग्य जमीन है। क्रिकेट के मैदान से इतर धोनी ने अब फिल्मों की चकाचौंध में भी कदम रख लिया है। धोनी ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। ये प्रोडक्शन हाउस तमिल, तेलुगू और मलयालम में फिल्में बनाएगा। धोनी इंटरटेनमेंट में धोनी के अलावा उनकी पत्नी साक्षी की भी हिस्सेदारी है। धोनी का रांची के रिंग रोड स्थित एक फार्म हाउस है जिसका नाम कैलाश पति है। उनके फार्म हाउस की कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा धोनी कई अन्य कंपनियों में भी निवेश किया करते हैं। जानकारी के अनुसार धोनी ने होम लोन, कार्स 24 जैसी कंपनियों में पैसे निवेश किए हैं। इसमें फिलहाल इतना ही। तमाम इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए द फोर्थ पिलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।